हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फैंसी बाजू। तो यहाँ पर देखिए, कपड़े को हमें फोर लेयर में रखना है, यानी चार परत में। तो यहाँ पर देखिए, कपड़े को हमें फोर लेयर कर लेना है अच्छे से। जितना भी आपने आर्म होल्स लिया है उससे 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लें। यहाँ पर तो हमने लिया है 9 इंच, ठीक है। आर्म होल्स लिए थे हमने 7 इंच, तो ये एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे। तो अब यहाँ पर देखिए, बंद की साइड से हमें बाजू की लेंथ नाप लेनी है। तो यहाँ पर ये आ रही है हमारी 10, ठीक है। और इसमें हमें 4 इंच की चौड़ी पट्टी लगानी है नीचे। अब यहाँ खुले की साइड से हमें 2.5 इंच पर मार्क डालना है इस तरीके से, ठीक है। 2.5 इंच कम करेंगे तो यहाँ पर बाजू की शेप डाल लेंगे। 1/2 इंच की गहराई और देंगे फ्रंट पीस के लिए। और जितना भी आपका बॉटम है उससे 1.5 इंच एक्स्ट्रा लें, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा बॉटम है 6 और यहाँ पर लिया है हमने 7.5 इंच। तो इस मार्क को इससे मिला देंगे, यहाँ पर आएगा हमारा फिटिंग का मार्क। तो जिस तरीके से मार्क डाला है सेम तरीके से इसको कट करना है। तो यहाँ पर देखिए, इसको कट कर लेंगे। यहाँ पर कॉर्नर से बिल्कुल भी कपड़े को कट नहीं करना है, ठीक है। अब इसको खोल के रखेंगे और जो हमने 1/2 इंच की गहराई दी है उसको भी कट कर लेंगे। ये हमारी फ्रंट पीस की तरफ रहेगी। तो यहाँ पर देखिए, इसकी कटिंग हो गई है। अब इसके जो हम नीचे बॉटम पे डिजाइन डालेंगे उसके लिए कपड़ा कट करेंगे। तो इस तरीके से इसे यहाँ पर फोर लेयर में रखेंगे और इस कपड़े को भी हमें इस तरीके से फुल लेयर करके रखना है। तो यहाँ पर देखिए, इस तरीके से आएगा बाजू में, ठीक है। तो इसको कट कर लेंगे। तो ये बराबर के पीस कट करेंगे बिल्कुल, ठीक है। तो ये हमारे 4 पीस हैं, ठीक है। ये इस तरीके से आएंगे बाजू पे। एक पीस यहाँ पर आएगा और दूसरा वाला पीस यहाँ पर आएगा, ठीक है। और इसमें हम लेस लगाएंगे तो इससे इसका लुक बहुत अच्छा आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, इस कॉर्नर को हमें फोल्ड करना है। इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। एल शेप में हमको फोल्ड करना है इसको, सिर्फ 2 साइड को फोल्ड करना है, 2 को नहीं करना है। तो सेम तरीके से दूसरे वाले पीस को भी हमें फोल्ड करना है। उल्टे सीधे का ध्यान रहे कि एक तरफ से ही दोनों कपड़े को फोल्ड ना हो जाएं, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर इसको फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, इसको हमने फोल्ड कर लिया है। अब इसके ऊपर हमें लेस लगानी है। तो जिस तरीके से हमने फोल्ड किया है कपड़े को, सेम तरीके से सीधी साइड पतली वाली लेस लगाएंगे। आप थोड़ी चौड़ी भी लगा सकती हैं। तो दोनों पीस पे सेम तरीके से ये लेस लगाएंगे। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। एक्स्ट्रा लेस को कट कर लेना है और दूसरे पीस में भी इसी तरीके से लगा लेना है, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, हमने इसको लगा लिया है। अब हमें इसे बाजू के ऊपर रख के सिलना है। तो बाजू के बीच बॉटम में हमें छोटा सा कट लगा लेना है ताकि बीच सेंटर पता रहे। अब यहाँ पर इनको रखना है, ठीक है। बाजू को हमने सीधा रखा है और इन पीस को हमें उल्टा रखना है, इस तरीके से। तो यहाँ पर इसमें सीधी सिलाई लगा देंगे। अब हमें दूसरे पीस को भी यहाँ पर जॉइंट कर लेना है, इस तरीके से बिल्कुल बराबर रख के।
तो यहाँ पर देखिए सिलाई हमने लगा ली है। अब इसको हमें सीधा करना है और सीधा करके इसके ऊपर एक दबाने वाली सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए बाजू का लुक बहुत ही प्यारा आया है। बहुत ही सिंपल तरीके से बाजू को बनाया है और बहुत ही प्यारी बन के आई है। तो यहाँ पर देखिए हमने सिलाई लगा ली है। आप इसमें चाहें तो यहाँ पर कोई मोती वगैरह लगा सकती हैं। आखिर तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।